तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं और हम आज जर्नी करेंगे अहमदाबाद से मुंबई कर्नावटी एक्सप्रेस में। इस ट्रेन की बहुत डिमांड रहती है, चलिए देखते हैं, शायद ट्रेन लगने वाली है। तो अभी जब हम इंतज़ार कर रहे ट्रेन का, तो मैं आपको फेयर बता दूँ इस ट्रेन का। 2 ही कैटेगरी रिजर्व वाली है। एक सेकंड सीटिंग है जिसमें हम जा रहे हैं, उसका 190 रुपीज़ है, 190 रुपये है। और जो एसी चेयर कार है उसका है 625 रुपये। इस ट्रेन में पैंट्री कार भी है, अगर कुछ मन करेगा तो ट्राई करेंगे, नहीं तो पैंट्री कार को तो हमने बहिष्कार जैसे ही कर दिया, क्योंकि खाना यार कौन सी भी ट्रेन हो। तो ट्रेन आ गई है, आप देख सकते हो, और अब अंदर चलते हैं, बैग रखते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं, बैग रखते हैं सबसे पहले। और मेरी सीट तो विंडो सीट है, और ये जो सेकंड सीटिंग रहता है इसमें आप देख सकते हो 3x3 का सेटअप है। पब्लिक तो काफ़ी है, हमेशा फुल चलती है। और मेरी सीट तो विंडो सीट है, और चेयर एसी चेयर कार की तरह 2x3 का सेटअप नहीं रहता है, तो यही मेरी सीट है। तो 5:02 हुआ है, 2 मिनट लेट ट्रेन अपनी चल रही है। सबसे पहला स्टॉप भी रहेगा वो है नदियाड। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ, और सामने जो आप ट्रेन देख रहे हो वो है लोक शक्ति एक्सप्रेस, जो मुंबई से आई है और वो अहमदाबाद करीबन 4:30 बजे पहुँचती है। उस ट्रेन की भी काफ़ी डिमांड है। अब मैं आपको सेकंड सीटिंग की सीट के बारे में बता दूं। तो ये ट्रेन की सीट तो काफ़ी कंफर्टेबल है, रिक्लाइन भी हो रही है, तो ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन हर सेकंड सीटिंग के कोच में ऐसा नहीं, तो आप ये मत मुझे कोट करना यार, मेरे इस कोच में तो ऐसा नहीं था। D1 में एटलीस्ट फ़िलहाल जो जर्नी कर रहा हूँ उसमें तो रिक्लाइन हो रही है, लेकिन इसमें भी हर सीट उतनी रिक्लाइन नहीं होती। नसीब की बात है कि मेरी थोड़ी अच्छी खासी हो रही, बार बार आँख लग जा रही है। यार अभी आने वाला है नडियाड, दिखाते हैं नडियाड, और फिर उसके बाद आएगा आनंद, फिर पहुंचती है वडोदरा। और ये हमारी ट्रेन इस वक्त नडियाड जंक्शन से छूट चुकी है, और एक्चुअली ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं, 5 मिनट के आसपास लेट है। काफ़ी सुबह है इसलिए खाली दिख रहा है स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और यहाँ पे काफ़ी ट्रेन रुकती भी है। अब इसके बाद तो आएगा आनंद, जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है वडोदरा से पहले। आनंद पे भी काफ़ी ट्रेन रुकती है, और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन ज़्यादा देर नहीं है, लेट नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के आसपास ही लेट है। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, चलिए मिलते हैं वडोदरा। तो ट्रेन पहुँची है वडोदरा, और आपको बता दूँ कि ये इम्पोर्टेंट स्टेशन है, यहाँ से जो बची हुई खाली सीट है मेरे बगल में, ये सब भी फुल होने वाली है, और अभी तक सिर्फ चाय ही बेच रहे हैं। तो ठीक 6:33 यानी कि जो इसका स्केड्यूल डिपार्चर टाइम है, कर्नावटी एक्सप्रेस वडोदरा से चल रही है। और ये स्टेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक रेलवे लाइन दिल्ली रतलाम की तरफ भी जाती है, और एक तो हम मुंबई की तरफ जा ही रहे हैं, और एक अहमदाबाद से जो आ रही है। तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है, बहुत बड़ा जंक्शन भी है, कोई ट्रेन यहाँ पर बिना रुके नहीं जाती है। अब इसके बाद थोड़ी देर में सुबह होती है, थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर मिलते हैं भरूच पे। तो दिन निकल गया है और ट्रेन पहुंची है भरूच, यहाँ पे 10 मिनट के आसपास लेट है। अब यहाँ से नर्मदा का ब्रिज आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, ज़्यादा देर तो नहीं रुकेगी, 2 मिनट का ही स्टॉप है। चलिए देखते हैं अब नर्मदा का ब्रिज। ये है नर्मदा नदी का पुल, जो कि सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बड़ा पुल है, आप देखेंगे, आपको पूरा वीडियो दिखाऊँगा। तो काफ़ी देर तक ट्रेन इस पर गुजरती है, ये नदी भी बहुत लंबी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भरूच शहर के पास ही ये समुद्र में मिल जाती है, और ये शुरू होती है अमरकंटक मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये चलती है, और अपना 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र पूरा करते हुए यहाँ पे आके ये अपना सफ़र अंत करती है। अब आप ये पुल को देखिए, एंजॉय करिए, और फिर चलते हैं अंदर। तो लोग काफ़ी आराम कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ अब अपना खान पान बेचना शुरू कर दिया, यानी कि नाश्ता पानी, ढोकला, पोहा, इडली, वड़ा सब बेच रहे हैं। और आप देख सकते हो सामने ये देवी राय। फिलहाल मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है, लेकिन कभी और इसमें ट्राई ज़रूर करेंगे खाना।
और हमारे सफर का दूसरा सबसे बड़ा पुल वो है ताप्ती नदी का, जिसपे से हमारी ट्रेन इस वक्त पार कर रही है। सूरत जो कि बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन पहुँचेगी भी, वो इस नदी पे ही बसा हुआ है। 1968 में कहा जाता है कि इस पे बाढ़ आई थी और करीब 1000 लोग तो बाढ़ से मरे थे, और बाढ़ ख़त्म होने के बाद बीमारी से और 1000 लोगों की मौत हुई थी। तो ये बहुत ही दुखदाई बात हुई थी उस टाइम में। उसके बाद डैम बनाया गया ताकि इसका पानी भी कंट्रोल किया जाए, और काफ़ी इस्तेमाल भी होता है इसका पानी। मध्य प्रदेश से ये नदी शुरू होती है और करीबन 750 किलोमीटर के आसपास का इसका सफ़र है, और ये नदी भी हमारे पश्चिमी तट में ही ख़त्म होती है। तो दो नदी जो सबसे बड़ी, नर्मदा और ताप्ती, पश्चिमी तट में ख़त्म होती है। तो अपनी ट्रेन सूरत पहुंच गई है, और सूरत तो बहुत ही यार बिजी शहर है, और आप देख सकते हो कितनी गर्दी है यहाँ पे, और कभी भी टाइम जाओ स्टेशन भर ही रहता है। सबसे बड़े शहरों में से एक है, डायमंड सिटी कहलाता है, और ये तो शहर मैंने जब भी आया गया हूँ मोस्टली कवर किया ही है। खैर, यहाँ से ट्रेन के और दो स्टॉप पे फिर ये डायरेक्टली रुकेगी बोरीवली। तो सूरत से हमारी ट्रेन जल्दी है और 15 मिनट ही लेट है। इसके बाद हमारी ट्रेन वलसाड पे रुकी थी, जो कि एक और गुजरात के काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है, और यहाँ पे भी ट्रेन 15 मिनट के आसपास ही लेट थी, 9:20 के ऊपर हुआ है और ट्रेन चल दी है। और इसके बाद जो हमारी ट्रेन का आखिरी हॉल्ट है मुंबई के बाहर वापी, वहाँ पर हमारी ट्रेन 9:40 के आसपास से छूटी थी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डीले है वो 10-15 मिनट के आसपास चल रहा था, और इस ट्रेन की रफ्तार तो ज़बरदस्त थी। कुछ इंटरेस्टिंग फास्ट हाई स्पीड एक्शन एंजॉय करिए, उसके बाद मिलते हैं मुंबई में। आई होप आपको जो हाई स्पीड एक्शन दिखाया था वो मज़ा आया हो। और ये जो ट्रेन जा रही है, ये स्वराज एक्सप्रेस दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा की तरफ जा रही है, और ये ट्रेन की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो हमारी ट्रेन खड़ी है वो है दहिसर स्टेशन, जो बोरेली से जस्ट पहले पड़ता है। रुकावट तो काफ़ी हुई थी, वो तो मैंने नहीं दिखाया, इसीलिए डीले भी काफ़ी बढ़ चुका है। खैर, चलिए अब सफ़र को एंड करते हैं, ट्रेन से उतरता हूँ और फिर इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। तो ट्रेन पहुंची थी बोरीवली काफ़ी लेट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था बोईसर के बाद,
तो इसलिए काफ़ी रुकावट और स्लो चलना भी हुआ है। उसके अलावा अगर कहूँ नॉर्मल डेज में तो इसकी पंक्चुअलिटी और भी अच्छी रहती है। ट्रेन फैंटास्टिक थी, काफ़ी वेटिंग पैसेंजर ऐसे आ गए थे भरूच और सूरत के बाद, तो वो भी एक प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ रह सकता है अगर आप सेकंड सीटिंग में ट्रैवल कर रहे हैं तो। लेग रूम थोड़ा कम था, ओवरऑल एक्सपीरियंस फैंटास्टिक था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन से पूछिए। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें।